भाई क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? गाइस वेलकम बैक माय निकमेस ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में क्या है गाइस। और मेरे को पता नहीं है थंबनेल में क्या है क्योंकि थंबनेल हमेशा बनता है वहां से वीडियो सब चीज बनाने के बाद। और हाँ, मैं दोबारा घर से बाहर जा रहा हूँ। और गाइस कहाँ जा रहा हूँ आपको थंबनेल में तो पता लग ही गया होगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल। गाइस बहुत दिनों के बाद गर्मी आ चुकी है सर पे और हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल दोबारा। और आज हमारे साथ जा रहे हैं मतलब वो राजीव भैया। तो राजीव भैया हमारे मेरे वीडियो में बहुत दिन से नहीं आए तो आज मैंने उनको बोला जाने की, तो आज वो मान गए जाने की। तो गाइस चलते हैं राजीव भैया के साथ स्विमिंग पूल में। और बढ़िया वाला स्विमिंग पूल है जहाँ पहले भी शायद से जा चुके हैं, देखते हैं कैसा सीन बनता है वहाँ पर जाके। और गाइस अभी मैं आपको बताऊँ मैं ब्लॉग इतनी लेट कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो गाइस मैं किस टाइम पर ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये देखो गाइस 4:16 और मंडे अप्रैल 11 तारीख। जी हाँ गाइस आज 11 तारीख अप्रैल 11 तारीख है। तो गाइस अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करके जा रहा हूँ और आज की ब्लॉग बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली गाइस। क्या इंटरेस्टिंग होने वाला उसको देखते रहना गाइस और वहीं जाके पता लगेगा क्योंकि वहाँ का बहुत बढ़िया चीज मैंने सोच रखी है। और ये रही हमारी बहन। हाय गाइस, भैया जा रहे हैं स्विमिंग पूल जा रहा हूँ मतलब ब्लॉग बनाने के लिए। और मम्मी इधर रेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है तो मैं तो जा रहा हूँ बाहर। और बहन ये रही, बाय कर दो। बाय। तो चलो गाइस चलते हैं पहले राजीव भैया के घर, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में प्यारा से एक म्यूजिक लगा के। तो चलो गाइस चलते हैं। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल वाले एरिया में। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं बैनर, इन्होंने अपना बैनर भी लगवा लिया यहाँ। मैंने पिछली बार मतलब इनका थोड़ा बोल दिया था ना तो इन्होंने बैनर वगैरह सब लगा लिया। और हमारे सामने खड़े हैं राजीव भैया। हेलो, तो टाइम बता रहा हूँ मैं निक के साथ। तो गाइस मतलब बहुत मस्ती आने वाला है निक के साथ, तो हैव एंजॉय। ओके तो गाइस आज मतलब राजीव भैया मेरे वीडियो में बहुत दिन के बाद आए हैं और आज तारीख है 11 अप्रैल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं। और चलो गाइस जैसे कि देख सकते हो गाइस यहाँ पे बैनर लगवा लिया इन्हें। और ये सामने जो भैया हैं आर एन शर्मा करके, इन्हीं की ये स्विमिंग पूल है, यही है इनके मेन मैनेजर। चलते हैं। ये अभी मतलब यहाँ डीजे वगैरह भी लगवा लिया हमने और कॉपीराइट क्लेम आ सकता है तो उसके लिए थोड़ा बंद करके दिखाऊंगा। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम तैयार तो हो चुके हैं, मतलब चेंज वगैरह कर लिया है, अपने फॉर्म में आ चुके हैं। और राजीव भैया भी अपने फॉर्म में आ चुके हैं जैसे कि देख सकते हो ये रहे। और सामने जैसे देख सकते हो ये रहा स्विमिंग पूल। और कॉपीराइट आएगा पक्का, मेरे को पता है क्योंकि गाने चल रहे हैं। ले जाएंगे भाई ये तो। ओके तो जैसे कि पिछली बार आपने देखा था इस वाले से हम कूदा था, पिछली बार भी आया था वही वाला स्विमिंग पूल है क्योंकि मजे तो भाई इसी पूल में आते हैं। और जैसा कि आप सामने देख सकते हो इन्हें सामने दे रखा है 3.5 फीट, जैसा कि ये देखो 3.5 फीट। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 4 फीट, उसके बाद 5 फीट, उसके बाद 6 फीट, उसके बाद 7 फीट, लास्ट में कोने में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो। तो इतनी गहराई तक है ये। और हमारे राजीव भैया जाने की तैयारी में है। चलो राजीव भैया जाओ। पानी सफेद है? पानी सफेद है, पानी का कोई रंग नहीं होता। अच्छा हमको सिखा रिया है, इससे भी हरे पानी में नहाओ याद करो। भाई यहाँ पर कौन है? तो अपने ही बंदे हैं ये। क्यों भाई कूद जा यार, कहीं ना गहरा डर लग रहा होगा। अब ये 6-7 में गए कहाँ है? आ रहा हूँ तो चलो गाइस ठीक है ये ओज। चलो तो अभी मैं भी तैयार हो गया मतलब फिर इसके अंदर कूदता हूँ। और भाई बहुत भयंकर गर्मी हो रही है तो भाई थोड़ा ठंडे हो लेते हैं और गाना चलाने कॉपीराइट पक्का आएगा। तो गाइस कोई बात नहीं, कॉपीराइट से कोई लेना देना नहीं है भाई, बस आपका व्यूज आना चाहिए, आपकी लाइक आनी चाहिए, आपकी कमेंट आनी चाहिए। तो गाइस अभी चलते हैं पहले, फिर मैं दिखाता हूँ थोड़ा बीच बीच की क्लिप, पहले एंजॉय करते हैं गाइस। ओके तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल में और बहुत देर हो चुकी है हमें यहाँ पे आए हुए हैं। कम से कम कितने बज रहे हैं? 4-5 घंटे हो गए हैं अभी हमें, कम से कम हो गए मतलब 3 घंटे तो हो गए मैक्सिमम लेके। और अभी भी हम नहीं जा रहे हैं और राजीव भैया तो बाहर निकल चुके हैं और अभी हम ले रहे हैं मजे। Let's go.
मछली बन के खाया वो अब सांस टूट रही है, कम से कम 6 महीने बाद आ रहा हूँ। तो बहुत देर से ना रहे sun rays and on and on we'll go अभी तो अच्छे वाले चेहरे पे पता नहीं क्या हो गया अचानक क्या हो गया तैरते तैरते ओ भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया भाई की डेथ हो गई आज तारीख क्या है 11 अप्रैल 2022 अप्रैल फूल बनाया ओके तो गाइस हैप्पी अप्रैल फूल आप सबको तो आ जाएगा तो गाइस हैप्पी अप्रैल फूल आप सबको तो 11 तारीख 2022 अप्रैल तो आज है अप्रैल का तारीख तो आज हम सब ने मिलकर आपको अप्रैल फूल बनाया है और ये हमारे ही बंदे मतलब जैसे ही देख सकते हैं हमारे भाई दोस्त वगैरह है हमारे और आज की वीडियो आप देख ही सकते हो कितनी मस्त बनी है और आपको लगता है कि भाई आप भी अप्रैल फूल बन गए हो तो गाइस कमेंट करके बता देना यस या नो तो गाइस कमेंट करना यस या नो आप बने हो यानी तो गाइस कमेंट करना और दिखाता हूँ यहाँ की थोड़ी बहुत सिनेमैटिक वीडियोज तो चलो गाइस दिखाता हूँ ओके तो गाइस जैसे कि अब मैं आपको बताऊं भाई पानी से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और भाई यहाँ मतलब अंधेरा भी हो चुका है क्योंकि अभी बज गए हैं 6:30 हो गया कम से कम तो अभी अंधेरा भी हो चुका है यहाँ पे और अभी हमको घर भी जाना है तो ये अच्छा हुआ राजीव भैया बाइक ले आए और वहाँ पे राजीव भैया ने चेंज कर लिया अभी मैं भी चेंज करूँगा और ठंड बहुत लग रही है गाइस और मैं दिखाऊँ यहाँ का थोड़ा जगह वगैरह एक्सप्लोर कर देता हूँ पिछली वीडियो में बता चुका हूँ तो अभी थोड़ा बहुत और बता देता हूँ तो गाइस चलो दिखाता हूँ यहाँ का वीडियो तो गाइस जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मतलब थोड़ा पिछली बार तो कलर वगैरह नहीं था तो इस बार कलर वगैरह कर दिया और ये मतलब प्लांट्स वगैरह एंड आउटडोर प्लांट्स वगैरह लगा दिए हैं और ये जैसा कि देख सकते हो 3.5 फीट का ये इस यहाँ से इतना है ये 5.5 फीट है ये 4 उसके बाद यहाँ पे 4 है और ऐसे करते करते जैसे कि आपको दिखाऊँ यहाँ ठंड बहुत लग रही है मेरे को और इस तरफ मैरिज हॉल है जैसा कि देख सकते हो मैरिज गार्डन है इधर बारात घर भी जिसे कहते हैं और ये देखो 5 फीट सबसे ज़्यादा गहरा भाई 6 फीट में और मैं यहाँ तक भी बहुत ज़्यादा तैरा हूँ 7 फीट भाई इसके ऊपर से कूद के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बार कूद गया और नाक में बार बार पानी जा रहा है मेरे तो अब नहीं जा सकता ऊपर से दिखा देता हूँ वैसे तो मैं दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है तो गाइस देखो ठंड लग रही है भाई मेरे को और राजीव भैया वहाँ से देख रहे हैं यार कब जाएगा तू देखो देखो राजीव भैया अंदर में आई डोंट नो कैसा लग रहा होगा और चमगादड़ भी आ चुके हैं यार ओहो चलो तो जैसा कि देख सकते हो इस जगह पे पुल बना रखा है और ये बाहर का सीन है देखो बाहर का सीन है ये रोड मेन रोड के पे ही पड़ता है ये और ये मैरिज हॉल जैसा कि देख सकते हो और क्या मस्त भाई यहाँ का एरिया पूरा यार खेती बाड़ी वाला एरिया और बहुत मस्त लगता है यहाँ से देखने पे और राजीव भाई परेशान हो रहे हैं तो गाइस अभी हम भी निकलते हैं और गाइस कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस और मतलब आज अप्रैल था तो अप्रैल का महीना चल रहा था तो सब मतलब सारे यूट्यूबर तो गाइस मतलब अभी अप्रैल का महीना चल रहा था तो सारे यूट्यूबर मतलब अप्रैल फुल की वीडियो बना रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी बना के दिखा दूँ आपको और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर आप भी अप्रैल फुल बने हो तो कमेंट करके यस या नो में आप कमेंट करके ज़रूर दिखाना गाइस आपकी कमेंट के वाली सब चीज़ होती है यस या नो में कर देना जरूर करके और गाइस आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस पीछे ट्रैक्टर जा रहा तो नॉइस तो आ ही रही होगी गाइस और मैं भी माइक लेने वाला हूँ बहुत जल्दी माइक ऑर्डर करने वाला हूँ मैं और आपको भी दिखाऊंगा उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना इधर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लेना गाइस क्योंकि सबसे पहले उसमें अपडेट देता रहता हूँ और राजीव भैया बोल रहे हैं आ जा भाई आ जा तो चलो गाइस अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय। छाती पीटने लगे इन भाई की आज पानी में डूबकर डेथ हो गई इनकी सांस टूटने की वजह से कच्चे हो रहे कह रहे थे पानी क्या हो गया यार इन्हें मर गए अजय जाओ
पानी में डूब के डेथ हो गई। अरे यार रुक जा।